दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय जोगता अकेडमी चंडीगढ़। फोर लेन समन्वय समिति गैर राजनीतिक सदर उपमंडल ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 कानून के तहत मंडी पठानकोट फोर लेन प्रभावितों को पुनर्वास, पुनः स्थापना व चार गुना मुआवजा को इस परियोजना में लागू करवाने को लेकर मंडी के विक्टोरिया पुल से लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय तक प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा। फोरलेन समन्वय समिति की मांग को लेकर भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने भी फोरलेन समन्वय समिति को अपना समर्थन दिया है। इस दौरान फोरलेन समन्वय समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह और भूमि अधिग्रहण मंच के प्रदेश संयोजक जोगिंद्र वालिया ने कहा कि ये धरना प्रदर्शन मंडी पठानकोट सड़क निर्माण में प्रभावित परिवारों और किसानों को उनकी भूमि का सरकार से चार गुना मुआवजा दिलवाने को लेकर पद्धर से बीजनी के फोरलेन प्रभावितों द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार द्वारा फोरलेन प्रभावितों को चार गुना मुआवजा नहीं दिया जाता है तब तक फोरलेन समन्वय समिति संघर्ष जारी रखेगी। जोगिंद्र वालिया, भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच हिमाचल प्रदेश। आज जो फोरलेन संघर्ष समिति तद्दर इकाई के जो साथी यहाँ पे एक मेमोरेंडम देने आया जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को, और उसमें मुख्य मांग क्या है, ये मुख्य मांग हम पिछले 4.5 साल से उठा रहे हैं और इस लड़ाई को हम लगातार लड़ रहे हैं। ये ठीक है पद्रवाड़े दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन जब तक किसान इकट्ठा नहीं होगा पूरे प्रदेश के अंदर तब तक ये जो हिमाचल की सरकार है ये चार गुना मुआवजा लागू करने वाली नहीं है। अतः हम तो आज इनका समर्थन करने आए हैं भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच की तरफ से, किसानों की ओर से, हिमाचल किसान सभा की तरफ से। हम ये चेतावनी देने आए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार को कि आने वाले दिनों में एक लंबा संघर्ष जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर होगा और उस संघर्ष के लिए किसानों को चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़े वो देंगे। और हम तो लगातार किसानों के संघर्ष में रहे हैं और हम इनसे भी आह्वान करते हैं कि आप आपस में अपने आप अपनी एकता बनाएं और इस संघर्ष को जो है वो अमली जमा अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद। या के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं वीरेंद्र एमजे, अध्यक्ष फोरलेन समन्वय समिति गैर राजनीतिक सदर उपमंडल। जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं सैकड़ों की संख्या में किसान आज सड़कों पर उतरे हैं। इसका मुख्य कारण ये जो हमारा मंडी पठानकोट जो फोरलेन है ये प्रस्तावित है, इसका चौड़ीकरण का जो सड़क का निर्माण का जो कार्य चला हुआ है, इस निर्माण हेतु सरकार ने हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण किया हुआ है। जो अधिग्रहण किया हुआ जो मुआवजा है ज़मीनों का सरकार द्वारा बहुत ही कम किया गया है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज हमने डीसी मुद्दे के माध्यम से हमने प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी और डीसी साहब ने कहा कि हम प्रदेश सरकार के समक्ष आपकी पॉजिटिविटी के साथ आपकी मांगे रखेंगे और बहुत जल्द एक पॉजिटिव इसका एक लेंगे। मुख्य मांग हमारी चार गुना मुआवजे को लेकर है और ये जो हमारा जो सर्कल रेट 1,52,53,000 से जो 90,000 कर दिया है, बहुत ही एक शर्मनीय और एक दुखद घटना है, इसका हम फोरलाइन समन्वय समिति कड़ा विरोध करती है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।